गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए कल की क्लास में हमने रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की फिफ्थ यूनिट में इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन औद्योगिक सहकारिता का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव। ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट था आज हम पार्ट सेकेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पार्ट कौन कौन से थे जिसमें फर्स्ट सजेशन हमने पढ़ा कि ऐसी रुग्ण इकाइयाँ या ऐसी बीमार इकाइयाँ या ऐसी अनार्थिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ जिनके अंदर सुधार संभव नहीं है तो उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। और ऐसी अनार्थिक औद्योगिक सहकारी समिति या जो दुर्बल है रुग्ण औद्योगिक सहकारी समिति जिनके अंदर की संभावना है तो उनको क्या करना चाहिए, उनका एकीकरण करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइनेंस की प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि समस्या क्या आती है औद्योगिक सहकारी समितियों के अंदर कि फाइनेंस का अभाव पाया जाता है, तो फाइनेंस की प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था प्रोवाइड रॉ मटेरियल, यानी इन सहकारी समितियों के सामने बड़ी समस्या आती है कि इन्हें उचित कीमत उचित किस्म का कच्चा माल सही कीमत पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे इनकी उत्पादन प्रक्रिया पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो औद्योगिक सहकारी समिति है इन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से उन सहकारी समितियों को जो भी निर्यात व्यापार में लगी हुई है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमने कल की क्लास में कवर किए थे। ठीक है, मार्केटिंग फैसिलिटीज। देखिए हमने समस्याओं में पढ़ा था कि लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग, यानी जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं इनमें प्रॉपर मार्केटिंग का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं औद्योगिक सहकारिता के सुधार हेतु सुझाव, तो जो समस्याएं थी उन्हीं में उन्हीं समस्याओं के बारे में सुझाव देना है। तो समस्या क्या थी, मार्केटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसलिए क्या दी जानी चाहिए, मार्केटिंग फैसिलिटी दी जानी चाहिए। देखिए किस प्रकार कि निर्मित मार्केट विपणन
राज्य सरकार द्वारा खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास और स्टॉक तो बचा ही रहता है, विस्तृत बाजार तक इनकी पहुंच नहीं होती है। तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, इनकी विपणन व्यवस्था या इनके विपणन में इनकी सहायता करनी चाहिए, मार्केटिंग में इनकी सहायता करनी चाहिए, और राज्य सरकार किस प्रकार से इनकी मार्केटिंग में सहायता करेगी कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को औद्योगिक सहकारी बाजार तक पहुंच ही नहीं बन पा रही है। क्या नहीं बन पा रही है? विस्तृत बाजार तक पहुंच ही नहीं हो पा रही है। तो विस्तृत बाजार तक इनके वस्तुओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए, और विस्तृत बाजार तक इनके वस्तुओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर सकती है कि राज्य सरकार द्वारा जो बिक्री केंद्र बनाए जाते हैं, उन बिक्री केंद्रों को राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि इन समितियों द्वारा जानी चाहिए। यदि औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, औद्योगिक सहकारी समितियों को यदि वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो क्या होगा, इन समितियों के द्वारा विपणन हेतु प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जहां ये सीमित हो गई तो उस सीमित बाजार से ये बाहर निकलेगी, और यदि वित्तीय सहायता दी जाएगी तो ये खुद भी अपने स्तर पर भी विज्ञापन करेगी, प्रचार प्रसार करेगी अपनी वस्तुओं का, और विस्तृत बाजार तक अपनी पहुंच बनाएगी, ठीक है। तो देखिए फोर्थ जो पॉइंट है सुधार हेतु सुझाव, वो कौन सा है, मार्केटिंग फैसिलिटी विपणन व्यवस्था। क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम में पॉइंट पढ़ा था वो क्या था कि प्रॉपर तरीके से ये विपणन व्यवस्था मार्केटिंग का कार्य नहीं करती है, तो मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें क्या दी जानी चाहिए, सहायता दी जानी चाहिए। कैसे राज्य सरकार द्वारा इनके जो निर्मित वस्तुएं होती हैं
हमारी मार्केटिंग फैसिलिटी। इससे पहले हमने प्रॉब्लम में पढ़ा था कि जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं इन पर दोहरा नियंत्रण है। कैसा नियंत्रण है? दोहरा नियंत्रण। अब दोहरा नियंत्रण किस प्रकार से लिखा गया है? एक तो इनके ऊपर नियंत्रण था, सहकारी विभाग का जो नियंत्रण है, सहकारी विभाग का, और दूसरा इन पर नियंत्रण है सहकारी बैंकों और राज्य वित्त निगम पर, राज्य वित्त निगम पर। ठीक है, सहकारी विभाग का नियंत्रण क्यों है? क्योंकि सहकारी विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन, अंकेक्षण, रजिस्ट्रेशन, अंकेक्षण और नियंत्रण या फिर निरीक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं। और सहकारी बैंक को राज्य वित्त निगम का नियंत्रण क्यों है? क्योंकि सहकारी बैंक को राज्य वित्त निगम के द्वारा क्या किया जाता है? सहकारी बैंक को राज्य वित्त निगम के द्वारा वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो इस तरह से जो ये औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, इन औद्योगिक सहकारी समितियों पर दोहरा नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, इन औद्योगिक सहकारी समितियों पर क्या पाया जाता है? दोहरा नियंत्रण। और इन औद्योगिक सहकारी समितियों पर दोहरा नियंत्रण क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक तरफ तो सहकारी विभाग का कंट्रोल होता है और दूसरी तरफ सहकारी बैंक और राज्य वित्त निगम का। क्यों? क्योंकि सहकारी विभाग जो है वो रजिस्ट्रेशन, अंकेक्षण, नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य करता है, जबकि सहकारी बैंक वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इनके ऊपर जो ये दोहरा जो नियंत्रण है, इस दोहरे नियंत्रण को क्या करना चाहिए? समाप्त क्या है? प्रबंध की दोहरी व्यवस्था समाप्त। जब ये जो दोहरा नियंत्रण हो रहा है, दोहरे नियंत्रण को क्या किया जाना चाहिए? समाप्त। देखिए किस प्रकार से समाप्त किया जाए कि औद्योगिक सहकारिताओं के पंजीकरण, संगठन, निरीक्षण तथा समापन से संबंधित कार्य एक ही विभाग द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए।
सहकारी विभाग द्वारा किए जाने चाहिए। किसके द्वारा किए जाने चाहिए? सहकारी विभाग के द्वारा किए जाने चाहिए, ताकि इनके ऊपर एक ही संस्था का, एक ही विभाग का क्या रहे, कंट्रोल रहे और ये अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके। ठीक है, तो जो समस्या है धोरी नियंत्रण की, ठीक है, प्रबंध की धोरी व्यवस्था की जो समस्या है, उस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। और किस प्रकार से समाप्त किया जाए कि एक ही विभाग को क्या किया जाए, सभी कार्य करने के लिए एक ही विभाग को दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। फैसिलिटीज यानी साख सुविधाओं की क्या की जानी चाहिए व्यवस्था। देखिए किस प्रकार से साख सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। देखिए औद्योगिक सहकारी बैंकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। रिजर्व बैंक अन्य समितियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। औद्योगिक सहकारिताओं को अपनी पूंजी में वृद्धि के लिए निजी धन एकत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उन पर ऋण का भार कम से कम पड़े। इन्हें अपनी योग्यता और कुशलता से लाभ अर्जन करना चाहिए। देखिए साख सुविधाओं की यदि व्यवस्था की बात करें तो इन्हें जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है वो सेंट्रल स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक के द्वारा, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव बैंक के द्वारा। सेंट्रल स्टेट कॉरपोरेटिव बैंकों को क्या करना चाहिए, अपने कोषों का एक निश्चित प्रतिशत भाग, ठीक है, अपने कोषों का एक निश्चित प्रतिशत भाग इनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि जब भी इन्हें लोन की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें लोन की आवश्यकता रहती पड़े तो ये उसकी क्या कर सके, पूर्ति कर सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी किस नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था।
देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, ठीक है, साथ ही साथ इन्हें जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, लो क्वालिटी का इन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है, लो क्वालिटी का कच्चा माल रहेगा तो जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उन वस्तुओं की क्वालिटी में क्या रहेगी, उन वस्तुओं के अंदर कम क्वालिटी वाली वस्तुएं रहेगी, ठीक है। तो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यानी किस नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए, यानी जिन वस्तुओं का इनके द्वारा उत्पादन किया जाए, ठीक है, वो वस्तुएं अच्छी किस्म चाहिए, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। लेकिन औद्योगिक सहकारिता को अपनी किस्म पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उत्तम किस्म की वस्तुएं ही प्रतिस्पर्धा में टिक सकती है, दूसरे बाजार में उनकी मांग में साफ बढ़ती है, फलस्वरूप मांग को बेचने में कठिनाई आती है। तो यदि ये प्राइस भी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और वस्तु की जो किस्म है वो भी अच्छी नहीं है, तो क्या ये मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन में टिक पाएगी, तो ये मार्केट कंपटीशन में नहीं टिक पाएगी। ये कब कंपटीशन में टिकेगी, जब इनकी प्राइस तो ठीक है हाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लग रही है तो प्राइस भी हाई हो गई, लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें साथ ही साथ किस्म भी अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो विक्रेता है, ठीक है, आजकल का जो ये जो समितियां हैं, इन समितियों का ये जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं ये स्मॉल स्केल पर कार्य करती है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें प्रॉफिट कम होता है, जबकि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है उनमें क्या रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है या औद्योगिक सहकारी समिति है वो मार्केट से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इनमें क्या होना चाहिए, देखिए औद्योगिक सहकारी समिति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निजी व सार्वजनिक उद्योगों के साथ संबंध रखना चाहिए, इसके साथ बड़ी इकाई को भी औद्योगिक सहकारिता में समुचित प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इनको प्रगति के अवसर चाहिए, ठीक है। यानी कुल मिला ये है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से काम करे, ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि वो छोटी इंडस्ट्रियों को मार्केट में आने ही नहीं दे, क्योंकि यदि वो छोटी इंडस्ट्रीज को मार्केट में अब बिल्कुल ही नहीं आने देगी तो हमारे देश के अंदर औद्योगिक पिछड़ापन आ जाएगा, क्योंकि जब बड़ी ही इंडस्ट्री रह जाएगी, छोटी इंडस्ट्री आएगी नहीं मार्केट के अंदर, तो औद्योगिक पिछड़ापन आ जाएगा, और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण यदि उद्योगों का कम विकास होगा तो उससे हमारे देश के अंदर बेरोजगारी
बेरोजगारी की समस्या भी आएगी, और बेरोजगारी की यदि समस्या आएगी तो हमारे देश के अंदर गरीबी भी बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी। तो क्या करना चाहिए कि लार्ज स्केल उद्योगों को भी काम करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कार्य करना चाहिए, ठीक है, जिससे दोनों को ही प्रॉफिट। तो ये थे हमारे सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू प्रोवाइड ग्रेड फैसिलिटी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल, उसी के साथ हमने पढ़ा मार्केटिंग फैसिलिटी एवोल्यूशन ऑफ ड्यूल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या थे कुछ सुझाव थे, कुछ सजेशन थे जे, और ऐसे सजेशन थे जो कि औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास करेंगे, ठीक है।